लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 5 कंपनी लेखे अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन सी। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न एक, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन क्या है? उत्तर, जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित किया जाता है तो ये प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। प्रश्न दो, प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जैसे रुपये 10 वाले समता अंशों का निर्गमन रुपये 14 प्रति अंश की दर पर करना, यहाँ 14 बाकी 10 बराबर रुपये 4 प्रति अंश प्रीमियम कहा जाएगा। प्रश्न तीन, प्रीमियम का लेखा किस स्तर पर किया जाता है? उत्तर, प्रीमियम का लेखा आवेदन, बंटन या मांग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। प्रश्न चार, सूचना के अभाव में प्रीमियम का लेखा किस स्तर पर किया जाता है? उत्तर, सूचना के अभाव में प्रीमियम का लेखा बंटन के स्तर पर किया जाता है। प्रश्न पाँच, प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? उत्तर, प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है। प्रश्न छः, प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे के किस भाग में दर्शाया जाता है? उत्तर, प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। प्रश्न सात, प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे में किस शीर्षक से दर्शाया जाता है? उत्तर, अंशधारियों के कोष शीर्षक से दर्शाया जाता है। प्रश्न आठ, प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे में किस उपशीर्षक से दर्शाया जाता है? उत्तर, संचय एवं आधिक के उपशीर्षक से दर्शाया जाता है। प्रश्न नौ, प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे में किस रूप में दर्शाया जाता है? उत्तर, प्रतिभूति प्रीमियम संचय के रूप में दर्शाया जाता है। प्रश्न 10, कंपनी अधिनियम की धारा 52(1) के अनुसार प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि कहाँ जमा की जाती है? उत्तर, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा की जाती है। प्रश्न 11, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? उत्तर, एक, सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त अंश निर्गमित करने के लिए। दो, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को ऐप लिखित करने में। तीन, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन व्यय या दिए गए कमीशन या ऋण पत्रों पर दिए गए बट्टे को अपलिखित करने में। चार, कंपनी के किसी भी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का प्रबंध करने में। और पाँच, अपने अंशों को क्रय करने में। प्रश्न 12, अंशों का न्यूनतम अविधान किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक कंपनी को प्रस्तावित अंशों की तुलना में कम अंशों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे अल्प या न्यून अविधान कहते हैं। प्रश्न 13, अंशों के न्यून अविधान की दशा में कितने अंश बंटित किए जाते हैं? उत्तर,
न्यून अभिधान की दशा में न्यूनतम अभिधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः प्रत्येक को आवेदित अंशों के बराबर अंश बंटित कर दिए जाते हैं। प्रश्न 14, अंशों का अधि अभिधान किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक कंपनी को प्रस्तावित अंशों की तुलना में अधिक अंश खरीदने के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ये स्थिति अधि अभिधान कहलाती है। प्रश्न 15, अधि अभिधान की स्थिति में एक कंपनी किन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर अंशों का आवंटन कर सकती है? उत्तर 1, कुछ आवेदकों को पूर्ण अंश आवंटित करना तथा ऐसे आवेदक जिन्हें कोई अंश आवंटित नहीं किए हैं उनकी आवेदन राशि को लौटा दिया जाता है। 2, समस्त आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आवंटन करना। 3, कुछ को पूर्ण तथा कुछ को आनुपातिक आधार पर आवंटन करना। प्रश्न 16, आनुपातिक आधार पर आवंटन क्या है? उत्तर, आनुपातिक आधार पर आवंटन से आशय उस वर्ग के कुल आवेदकों को बंटित किए गए कुल अंशों का उस वर्ग के कुल आवेदनों के अनुपात से है। प्रश्न 17, आनुपातिक आधार पर आवंटन को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, माना आर लिमिटेड ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए जिनके बदले में कुल 15,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, अतः आनुपातिक आधार पर अंशों के प्राप्त आवेदन अनुपात कुल निर्गमित अंश बराबर 15,000 अनुपात 10,000 बराबर 3:2 होगा। प्रत्येक 3 अंशों के आवेदकों को 2 अंश आवंटित किए जाएंगे। प्रश्न 18, आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, आनुपातिक आधार पर आवंटन की दशा में आवेदन पत्र के साथ चुकाई गई आधिक्य राशि का प्रयोग एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की अनुमति प्राप्त कर आवंटन तथा याचना पर किया जा सकता है। प्रश्न 19, एक गैर सूचीबद्ध कंपनी आवेदन प्राप्त आधिक्य राशि का प्रयोग किस प्रकार कर सकती है? उत्तर, एक गैर सूचीबद्ध कंपनी आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का प्रयोग आवंटन तथा याचना राशि के समायोजन में कर सकती है। प्रश्न 20, उल्लेख के अभाव में समायोजन के उपरांत शेष धनराशि का क्या प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर, स्पष्ट उल्लेख के अभाव में आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि में से बंटन पर देय राशि के समायोजन के उपरांत शेष धनराशि अंशधारियों को वापस लौटा दी जाती है। प्रश्न 21, स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन क्या है? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार स्वेट क्षमता अंशों से आशय ऐसे क्षमता अंशों से है जो किसी कंपनी द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को बट्टे पर या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए तकनीकी जानकारी देने या बौद्धिक संपदा के अधिकारों की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराने या उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए जारी किए जाते हैं। प्रश्न 22, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 की वे शर्तें कौन सी है जिनके पूर्ण होने पर एक कंपनी स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन कर सकती है? उत्तर, ए, निर्गमन कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अधिगत किया जाता हो। 2, विशेष प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल यदि
कोई हो तथा संचालकों द्वारा कर्मचारियों के वर्ग जिनको ऐसे अंश निर्गमित किए जाने हैं का उल्लेख होना चाहिए। सै श्वेत समता अंशों के निर्गमन की तिथि को कंपनी को व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हुए कम से कम एक वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। दे यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी पर सूचीबद्ध हो तो श्वेत समता अंशों का निर्गमन सेबी द्वारा इस संबंध में बनाए नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। प्रश्न 23, अधिकार अंश पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, कंपनी की अनिर्गमित पूंजी को अधिकार अंश पूंजी कहते हैं। प्रश्न 24, एक कंपनी को अपने व्यवसाय में वृद्धि या अन्य कारण से अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होने पर वह क्या करती है? उत्तर, ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी संपूर्ण अनिर्गमित अंश पूंजी या उसके एक भाग को निर्गमित कर सकती है तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। प्रश्न 25, एक अंश पूंजी वाली कंपनी अपनी अभिदत्त पूंजी में वृद्धि के लिए कौन से निर्णय ले सकती है? उत्तर, एक, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अनुसार अतिरिक्त अंश निर्गमित करना प्रस्तावित कर सकती है। दो, ये प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों को भेजे जाएंगे जो प्रस्ताव की तिथि को कंपनी के समता अंशों के धारक हैं। तीन, ये प्रस्ताव नोटिस के रूप में होता है। चार, इस नोटिस में प्रस्तावित अंशों की संख्या होती है। पाँच, इस नोटिस में प्रस्ताव की तिथि की समय सीमा जो 15 दिन से कम नहीं होती है तथा 30 दिन से अधिक नहीं होती है। छः, यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकार मान लिया जाता है। सात, जब तक अंतर्नियम में कोई विपरीत व्यवस्था न हो तो संबंधित अंशधारी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परित्याग करने का अधिकार होता है। आठ, प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्थिति में कंपनी का संचालन कंपनी तथा अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन अंशों को अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर सकता है। प्रश्न 26, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या है? उत्तर, कंपनियों के द्वारा अपने संचालकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने समता अंश प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खरीदने का अधिकार देना कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कहलाती है। ये व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार इन प्रस्तावित अंशों को खरीद सकते हैं। प्रश्न 27, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, कंपनी द्वारा अपने संचालकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंश देने का उद्देश्य उनकी कार्य क्षमता तथा अपनत्व की भावना को बढ़ाना है। प्रश्न 28, क्या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित अंशों को खुले बाजार में बेचा जा सकता है? उत्तर, ऐसे अंशों को आवंटन की तिथि से एक वर्ष के अंदर खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। प्रश्न 29, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना किस नियम के अंतर्गत आती है तथा इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार है। इसका आशय कंपनी के संचालकों अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी के अंश भावी तिथि को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए दिए गए अधिकार या लाभ के विकल्प से है। प्रश्न 30, एस्क्रो या निलंब खाता क्या है? उत्तर, एस्क्रो शब्द से आशय एक अनुबंध के तहत किसी विनिर्दिष्ट शर्त के पूरा हो जाने तक गारंटी के रूप में तृतीय पक्षकार के पास जमा की गई नकदी या प्रतिभूतियां हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो कंपनी अपने अंशों का क्रय योजना के तहत अंश वापिस
खरीद रही है उसे किसी बैंक में एस्क्रो खाता खोलना होता है। प्रश्न 31, एस्क्रो खाते में क्या क्या शामिल है? उत्तर 1, किसी व्यावसायिक बैंक में जमा राशि। 2, किसी व्यापारिक बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी। 3, उचित मार्जिन के साथ स्वीकार्य प्रतिभूतियों का निक्षेप अर्थात जमा। और 4, उपरोक्त 1 से 3 तक का मिश्रण। प्रश्न 33, एस्क्रो खाते में कितनी राशि जमा करनी आवश्यक है? उत्तर, यदि क्रय वापसी के रूप में चुकाए जाने वाली राशि रुपये 1 करोड़ से अधिक नहीं हो तो एस्क्रो खाते में ऐसी राशि का 25% जमा करना होता है, और यदि चुकाई जाने वाली राशि 100 करोड़ से अधिक है तो आधिक्य का 10% भी जमा करना होता है। प्रश्न 33, अपने अंशों की क्रय वापसी पूर्ण हो जाने पर एस्क्रो खाते में जमा राशि का क्या किया जाता है? उत्तर, एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि या प्रतिभूतियों को क्रय वापसी पूरी हो जाने पर सेबी की आज्ञा से वापस कर दिया जाता है और अनुपालना न होने पर जब्त कर लिया जाता है। धन्यवाद।